Hey everyone, let's see ऐसी क्या चीज है जो आपके यूनियन को या आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रही है. डोंट फॉरगेट टू डबल टैप द स्क्रीन. फाइव ऑफ वॉन्स का कार्ड है मेरे पास में. ठीक है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. बहुत सारे नहीं होंगे तो कुछ होंगे, और वो कुछ भी कैसे होंगे, विमेन के किसी भी फॉर्म में होने का बहुत बड़ा रीजन है आपके रिलेशनशिप में. अगर आप अनमैरिड हो सकता है आपके जो पर्सन है उनकी मदर, उनकी सिस्टर या फिर उनकी लाइफ में कोई विमेन जिसका बहुत प्रोमिनेंट रोल है, वो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहा है. अगर आप मैरिड हो या सेपरेटेड हो या किसी भी तरीके से आपका सेपरेशन चल रहा है, वहां पे भी कोई ना कोई लेडी है जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है. 50% तो ऐसे ही केसेस दिख रहे हैं इस रीडिंग के अंदर. कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे ना मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स. मतलब एक से ज्यादा इंसानों का रोल है आपके इस रिलेशन को खराब करने में. ठीक है, तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आपने अपने किसी भी सीक्रेट को, रिलेशन के किसी भी स्टेटस को, या फिर आपके रिलेशन में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे आपने किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना. आपने अपने पर्सन के साथ डिस्कस करना. अगर बाय चांस आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है आप किसी अननोन नंबर से उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. बट एक प्यार भरा आप उन्हें मैसेज करो.